हेलो एवरीबॉडी गाइस, आप अभी मेरे पीसी के इंटरफेस पे यहाँ पे आप ऊपर पांच टैब्स ओपन देख पा रहे हैं। हर एक टैब में आपको अलग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। फर्स्ट टैब में ओलिम ट्रेड, देन बैनमो, देन आईक्यू ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन एंड इन द लास्ट आयरन ट्रेड। जी हाँ, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको एक ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप फिक्स टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म्स के साथ कुछ खामियां होती हैं, कुछ यूनिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जिनकी वजह से हमें इन्हें चुनने में और ना चुनने में काफ़ी सहायता मिल जाती है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जी हाँ, लोग मेजरली गलतियाँ क्या करते हैं, लोगों ने कहीं से एडवर्टीजमेंट देखी होती है या किसी फ्रेंड से सजेशन लिया होता है, उसके बाद सीधा जाते हैं प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ही हो गई। देखिए गाइस, सिंपल सा समझने की कोशिश करना, जब आप कोई बाइक खरीदने जाते हो, या आप बाइक तो बहुत बड़ी बात हो गई, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करते हो कि सेम प्राइस में क्या मुझे इसे बेटर पीस मिल सकता है, क्या मुझे इसे बेटर मोबाइल मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो आप वो लोगे, ना कि आपने जो सोचा था वो। डेफिनेटली तो होता क्या है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्यों एक ही प्लेटफॉर्म के साथ जाना है। यहां पे आपके पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शन हैं। हालांकि यही नहीं, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बाइनरी ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरा सीधा मानना है बेस्ट के साथ जाओ। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल जरूरी है आप लोगों के लिए। द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडिंग पार्ट नंबर 2 में मैं अरविंद सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी सारे प्लेटफॉर्म्स यहां पे आप ओपन देख पा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी छोटी ट्रेड जो है सारे अकाउंट से प्लेस कर देते हैं, यानी 50-50 डॉलर्स की। तो यहां पे टाइमिंग मैं 5 मिनट्स का रख लेता हूं, ठीक है। 5 मिनट की टाइमिंग पे यहां पे मैंने देखिए बिटकॉइन पे यहां पे ट्रेड जो है वो मैं प्लेस कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया है बिटकॉइन पे। अब आते हैं आयरन ट्रेड पे, तो यहां पे यूरो यूएसडी OTC ओपन किया हुआ है 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि देखो ये डेमो अकाउंट है, तो मैंने यहां पे यूरो यूएसडी पे मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया है। अब आते हैं एक्सपर्ट ऑप्शन पे, यहां भी यूरो यूएसडी का ओटीसी ओपन है, तो यहां भी अभी मैं ट्रेड लेने वाला हूं। देखिए यहां भी मैंने ट्रेड ले लिया है, क्योंकि डेमो अकाउंट है तो इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। आईक्यू ऑप्शन में भी देखो, यहां पे मेरे पास डेमो अकाउंट है, यूरो यूएसडी का ओटीसी ओपन है, यहां भी मैंने एक ट्रेड ले लिया है, ठीक है। यहां पर मैंने टाइमिंग का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब आते हैं यहां पर, यानी बैनमो पे, तो बैनमो पे यूरो यूएसडी का ओटीसी अभी ओपन है और ट्रेड लेते हैं 3,500 रुपए की, हो गया 3,500 की ट्रेड लेते हैं, यानी रियल अकाउंट है ना। तो यहाँ पे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, हाला यार टाइमिंग मिस कर दिया, ओके डजंट मैटर। ओके सो गाइज, अभी देखो अभी यहाँ पे हमने सारी ट्रेड जो है प्लेस कर दी है सारे अकाउंट से, जहाँ पे मैं ओलिम ट्रेड और बैनमो में रियल अकाउंट से लॉग इन हूँ। बाकी सारे के साथ तो डेमो में हूँ, बट इन दोनों के साथ मैं रियल अकाउंट से लॉग इन हूँ। अब बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म्स की, सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो सीरीज है ना भाई, द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडिंग, आप लोगों की मिस्टेक्स जो आप गलतियां कर चुके हो या करने वाले हो इन फ्यूचर, वो आपको बताने में बहुत हेल्प करेंगी। इसीलिए लाइक अभी कर दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट टाइम हो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करो। सो यहां पे गाइस, अब बात कर लेते ना हर एक प्लेटफॉर्म की यूनिक स्पेसिफिकेशंस की। ओलिम ट्रेड की बात करते हैं तो यहां पे ना मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की है आज की वीडियो को। देखिए, यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूआई की। कुछ यूजर्स हैं जो बेस होते हैं यूआई, यानी कि लोगों को पसंद होता है यूआई अच्छा होना चाहिए, मतलब यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस होना चाहिए, यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए कि आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको खुद बताने वाला हूं सारे प्लेटफॉर्म को देख के। और एक और चीज, डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं, तो भाई ये जो वीडियो है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो गाइस, यहां पे मैं अपनी राय आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि पर्सनली मुझे कैसा फील होता है ये प्लेटफॉर्म यूज करने पे, और अगर मैं रेट करूं इन प्लेटफॉर्म को तो किस बेसिस पे रेट करूंगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, आपको यूज करना है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई पैसा आपका है, डिसीजंस भी आपके होने चाहिए, चॉइसेस भी आपकी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि रिस्क भी आप ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पे मैं आज की इस वीडियो में आपको हर एक प्लेटफॉर्म की यूनिक स्पेसिफिकेशन और बेस्ड ऑन यूजर्स बताने वाला हूं कि लोग क्या सोचते हैं और क्या क्या उनके दिमाग में आता है जब वो प्लेटफॉर्म्स के साथ जाते हैं। पहली बात, कोई भी एडवर्टीजमेंट देख के आप किसी प्लेटफॉर्म के पास जाने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी देखिए। उसके बाद आपको ये देखने की जरूरत है कि विड्रॉज एंड डिपॉजिट के मैथड्स क्या क्या है, विड्रॉज एंड डिपॉजिट कितने टाइम में आपके पास आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म
कैसा है, यहाँ पे एक्सपायरी टाइम सेट करना होता है या आप एक फिक्स टाइम डेट सेट कर सकते हो। दूसरा चीज, एग्जीक्यूशन टाइम में कोई डिले तो नहीं है। और तीसरा चीज कि भाई प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस है या नहीं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो आती है यूआई। ऑलिंट्रेड की बात करते हैं तो यूआई में मैं इसको 10 में से 10 नंबर देने वाला हूं, क्योंकि यूआई इसका एक ही नंबर का लगता है भाई मुझे, ऑसम। एक ही वर्ड है मेरे पास इसके यूआई के लिए, क्योंकि अगर कोई नया बंदा भी आएगा ना ऑलिंट्रेड के प्लेटफॉर्म पे, वो भी समझ जाएगा कि यहां पे करना क्या है। यूआई का मतलब होता है कि आपको देखते ही प्लेटफॉर्म को समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। अब आते हैं बैनमो पे। सो गाइज, एक और ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, क्योंकि लास्ट वाली ट्रेड शायद हार गए थे। आई डोंट नो व्हाट हैपन विद लास्ट ट्रेड, जस्ट चेक कर लेते, एक ही सेकंड में चेक कर लेते व्हाट हैपन। एंड ओके, लास्ट वाली ट्रेड हम विन कर गए थे, वैसे हम हारे नहीं थे। ओके, तो एक और ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, और अब बात कर लेते हैं बैनमो के यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस की। तो बैनमो का जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी अच्छा है, बट कंपेयर करते हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म से तो थोड़ा सा मुझे स्लो लगता है। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। बाकी यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस के लिए, यानी कि मैं यूजर इंटरफेस के लिए इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। अब बात करते हैं आईक्यू ऑप्शन की। तो भाई आईक्यू ऑप्शन का जो प्लेटफॉर्म है ना, मुझे काफी हद तक इंप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, अगर बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्सपर्ट ऑप्शन एंड आयरन ट्रेड से, तो काफी अच्छा है। लेकिन अगर बात करते हैं ऑलिम ट्रेड के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं कुछ नंबर इसके जरूर कटेंगे, क्योंकि अगर आप इसको पीसी पे यूज करते हो तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब आप मल्टीपल करेंसीज को ओपन कर सकते हो, मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हो, आपका एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है और बाकी सारी चीजें भी। लेकिन यार एक चीज जो मुझे इस प्लेटफॉर्म की अच्छी नहीं लगती, ये ना भरा भरा सा प्लेटफॉर्म लगता है। देखिए काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पे। मतलब ठीक है, जो एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर है ना, वो जरूर इसको प्रेफर करते हैं कि भाई एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर को ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बहुत मतलब एकदम खिचड़ी बना देते हैं वो स्ट्रेटजीज की। तो ठीक है, वो जरूर प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको रखूंगा तो मैं इसको नंबर 3 पे रखने वाला हूं इंटरफेस के मामले में। और बात करते हैं एक्सपर्ट ऑप्शन की, तो भाई इसका जो यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस मुझे हालांकि पर्सनली पसंद नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये जो राय है ये मेरी पर्सनल राय है। आप क्या फील करते हो सकता है आप इनके बारे में अलग फील करते हो, ठीक है, बट ये जो राय है मेरी पर्सनल राय है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज साइड में रखो यार, स्किप कर दो पार्ट को, जो भी आपको सही नहीं लगता उसको स्किप कर दो। ठीक है, तो एक्सपर्ट ऑप्शन का मुझे इंटरफेस कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि देखिए यहां पे इनको उन्होंने ट्रेडिंग वाला सेक्शन यहां दे रखा है, जो कि यूजर्स को यहां पसंद होता है, मुझे पर्सनली यहां पसंद है। और हालांकि देखो इन्होंने ये दे रखा है कि कितने लोग आपके साथ ट्रेड लगा रहे हैं, ये यूनिक है, लेकिन फिर भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा मुझे। एंड बात करते हैं आयरन ट्रेड की, सिंपल इंटरफेस है, ओके ओके इंटरफेस है, ठीक है, चलता है भाई, ठीक है, ओके ओके का इंटरफेस है इनका, ठीक है, मतलब ओके, ठीक है। लेकिन बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम की, तो वहां पे ये कहीं ना कहीं मार खा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि अगर यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस की, तो यहां पे ऑलिम ट्रेड कहीं ना कहीं बाजी मार के रखता है, क्योंकि ईजी इंटरफेस है, बहुत आसानी से लोड हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की हमारे, कि सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की कहां पे आपको जरूरत पड़ती है। ऑल इन ट्रेड के साथ आपको इतने अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्लो इंटरनेट कनेक्शन के साथ भी ऑल इन ट्रेड को आप यूज कर सकते हो, और ये सबसे अच्छी चीज है। अगर हम आते हैं बैनमो पे, बैनमो में काफी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। अगर यहां पे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे। आते हैं आईक्यू ऑप्शन के साथ, यहां पे आपको जरूरत है अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की, लेकिन कंपैरिजन करते हैं बैनमो के साथ तो कहीं ना कहीं ये बाजी मार जाता है आईक्यू ऑप्शन। मतलब बैनमो लोड होने में काफी टाइम लगाता है, लेकिन आईक्यू ऑप्शन नहीं। बात करते हैं एक्सपर्ट ऑप्शन की और आयरन ट्रेड की, तो आयरन ट्रेड तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता लोड होने में, एंड एक्सपर्ट ऑप्शन वो ज्यादा मैं यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं बिना ज्यादा यूज किए कंपैरिजन करना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि एक्सपर्ट ऑप्शन का जो इंटरफेस है वो बाकी सारे कंपैरिजन में, अगर मैं आईक्यू और बैनमो का कंपैरिजन करूं तो उसके कंपैरिजन में जल्दी खुलता है, लेकिन ऑल इन ट्रेड का इंटरफेस यहां भी कहीं ना कहीं आगे है बाकी सबसे, और आयरन ट्रेड का इंटरफेस भी कहीं ना कहीं आगे है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जहां पे आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के लिए कौन कौन से मेथड्स मिल जाते हैं। तो यहां पे ऑलिम ट्रेड के साथ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हालांकि यूपीआई भी इंट्रोड्यूस हुआ था, बट फिलहाल के लिए थोड़े टाइम के लिए वो हटा दिया गया है, आगे आने वाले टाइम में वो शायद फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए। बाकी सारे मेथड्स यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बैनमो के साथ भी आपको मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहां पे इंडियन एक्सचेंजर, इंडियन कैश एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि मुझे इनकी खास लगे, और उनकी इनकी जो अच्छी बात मुझे लगे बैनमो की, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
विड्रॉज के, ठीक है। अब बात करते हैं आई क्यू ऑप्शन की, भाई इनके पास भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, हालांकि यूपीआई इन्होंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट ठीक है ओके, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एक्सपर्ट ऑप्शन के पास भी ठीक ठाक ऑप्शंस हैं, आयरन ट्रेड के पास भी ओके ओके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर बाजी मारा है तो वो मारा है ऑलिम ट्रेड। रीज़न उसके पास ये है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म यूपीआई का मेथड अभी तक नहीं लेके आया था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हाल ही में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं, अब मैं बताता हूँ यूजर्स को, मैं डिवाइड करता हूँ कैटेगरी वाइज कि आप किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स को चूज कर सकते हो, लेकिन पहले कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे। ऑलिम ट्रेड में एग्जीक्यूशन आपका विद इन अ सेकंड होता है, जब आप ट्रेड प्लेस करोगे तो वहीं की वहीं आपकी ट्रेड लग जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक और ट्रेड लगा के दिखा देता हूं, टाइमिंग यहां पे 3 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे मैंने यहां पे एक ट्रेड सेलेक्ट की है $50 की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक सेकंड भी नहीं लगा। और अगर आप मोबाइल में जाओगे तो यहां पे बैनमो कहीं ना कहीं स्लो रिस्पांस में रहता है। देखो यहां पे मैं एक और ट्रेड प्लेस करता हूं, देखते हैं 33,500 की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो मैंने क्लिक करने के काफी टाइम बाद इन्होंने एग्जीक्यूशन लिया है, तो ये कहीं ना कहीं स्लो है, ठीक है। तो मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ा सा स्लो है, मतलब अगर आपने क्लिक किया 2 सेकंड बाद यहाँ पे ट्रेड लग रही है एग्जीक्यूशन टाइम में। आईक्यू ऑप्शन भी इस मामले में पीछे नहीं है, वैसे ठीक ठाक है रिस्पांस के मामले में। देखो जैसे आप क्लिक करोगे उसके 1 सेकंड बाद या 1.5 सेकंड बाद यहाँ पे ट्रेड लग जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक बैनमो इसमें पीछे रह जाता है। एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के 1 सेकंड बाद यहाँ पे ट्रेड लगता है। और अगर हम बात करते हैं आयरन ट्रेड की, तो आयरन ट्रेड में क्लिक करने के 3 सेकंड बाद ट्रेड लगता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आयरन ट्रेड पीछे रह जाता है। और एक्सपर्ट ऑप्शन भी और आईक्यू ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बाजी मारने की बात करते हैं तो फिर से ऑलिम ट्रेड ने बाजी मारी है। क्यों? क्योंकि रीज़न है, क्योंकि जितना आप हल्का इंटरफेस रखोगे ना, जितना भारी भरकम इंटरफेस रखोगे उतना स्लो चलेगा, जितना हल्का इंटरफेस रखोगे उतना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगी चीज़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे आने वाली काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, कि सारे प्लेटफॉर्म्स के हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अभी लेफ्ट है। सो गाइस बात करते हैं एसेट्स की। तो यहाँ पे ऑलिम ट्रेड भी आपको काफ़ी सारे एसेट्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर आप वीआईपी एक्सेस होल्डर नहीं हो, यानी वीआईपी अकाउंट आपके पास नहीं है ऑलिम ट्रेड के अंदर, तो काफ़ी सारी करेंसीज आप मिस करते हो इसके अंदर। बाकी अगर आप जाते हो बैनमो के साथ तो ये भी आपको काफ़ी सारी प्रोवाइड कर देता है। आईक्यू ऑप्शन तो आईक्यू ऑप्शन तो बहुत सारी आपको करेंसी पेयर्स प्रोवाइड करता है, कम्युनिटीज एंड फॉरेक्स और बहुत कुछ। एक्सपर्ट ऑप्शन में कुछ कमी मिलती है आपको, लेकिन आयरन ट्रेड में तो और भी कम मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनके वीआईपी अकाउंट्स के साथ जाते हो तो ठीक है। अब एक मेजर पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं प्लेटफॉर्म्स को, वो चीजें छूट गई है। तो यहां पे ना ऑलिम ट्रेड के अंदर अगर आप बोनस लेते हो तो आपको कोई इश्यूज नहीं होते विड्रॉल लेने में, अगर आप बैनमो में बोनस लेते हो तो आपको विड्रॉल लेने में इश्यू होता है। यहां पे आपको एक टर्नओवर कंप्लीट करना होता है, जो हालांकि लोग कर तो पाते नहीं है। तो यहां पे एक बार समझ लो विड्रॉ बोनस ले लिया, और बैनमो में तो विड्रॉ आपको नहीं मिलने वाला। आईक्यू ऑप्शन आपको बोनस की टर्म्स प्रोवाइड करता नहीं है, ना ही एक्सपर्ट ऑप्शन और ना ही आयरन ट्रेड। तो यहां पे अगर आप मुझसे पूछे कि भाई कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बोनस यूज कर सकते हो, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा सिर्फ ऑलिम ट्रेड, जहां पे आप अब बोनस को यूज कर सकते हो, ठीक है। बायनमो में तो मत करना यार, बाकी मैं करो चाहे मत करो, बट ऑल बायनमो में बोनस मत यूज करना, आप प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे इन फ्यूचर आपको, ठीक है। सो गाइज आज ये सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, अब यूजर्स के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको अगर यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस चाहिए, आपको अच्छा इंटरफेस चाहिए, तो आप आयरन ट्रेड के साथ जा सकते हो, आप जा सकते हो ऑलिम ट्रेड के साथ। और अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो थोड़ा भारी भरकम हो, जिसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएं, तो आप आईक्यू ऑप्शन और बैनमो के साथ जा सकते हो। एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ अगर आप जा सकते हो, जब आपको चाहिए कि आपके साथ कौन ट्रेड ले रहा है, बहुत सारे मेजोरिटी आपको पता लग जाए कि भाई इतने लोगों ने अभी बाय किया है, इतने लोगों ने सेल किया है, इन दैट केस आप एक्सपर्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं विड्रॉ एंड डिपॉजिट के मेथड्स पे। तो ऑलिम ट्रेड काफ़ी सारे मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है। अगर यूजर्स मुझे कहते हैं कि भाई फास्ट विड्रॉल किस में आएगा, तो देखिए ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, 3 से लेकर 30 दिन लगा देते हैं विड्रॉ लेने में। अब हम कुछ कह नहीं सकते, 3 दिन भी लग जाए, 30 दिन भी लग जाए, कितने भी दिन लग सकते हैं, ठीक है, दैट डजेंट मैटर। आप 3 दिन, आपका 3 दिन के पहले भी विड्रॉ आ सकता है, 3 दिन के बाद भी आ सकता है, बट पर्सनली मैंने जो फील किया है बैनमो का विड्रॉ बहुत ही फास्ट है। अगर आपके पास बैनमो का वीआईपी अकाउंट है तो आपका विड्रॉ
आधे घंटे से भी पहले हो जाता है। एंड ऑलिम ट्रेड में अगर आप यूपीआई मेथड से विड्रॉ ले चुके तो आपको पता ही है मिनट्स में विड्रॉ आते हैं ऑलिम ट्रेड में, ठीक है। आईक्यू ऑप्शन में भी विड्रॉ फास्ट आता है, स्क्रिल में तो इंस्टेंटली विड्रॉ देता है आईक्यू ऑप्शन। एंड एक्सपर्ट ऑप्शन और आयरन ट्रेड थोड़ा सा डिले कर देते हैं विड्रॉज में। एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन आयरन ट्रेड डेफिनेटली डिलेज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर यूजर्स को लगता है कि भाई अगर वो जाना चाहते हैं स्मूथनेस पे, तो वो स्मूथनेस के बेसिस पे भी प्लेटफॉर्म्स को चूज कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जहां पे आप जज कर सकते हैं। मैंने अपने ओपिनियंस आपके सामने रखे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम से लेके हर एक चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि लोग जो गलतियां करते हैं ना प्लेटफॉर्म चूज करने में, वो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो आप हमारे चल के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। गाइज उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दिया होगा, एक और बार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।